हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। मैं अपने ब्लॉग का छोटा छोटा क्लिप पहले दिखा रहा हूं और आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है कि आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को मालूम चलेगा कि हम लोग विदेश में कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे ड्यूटी जाते हैं, कैसे ड्यूटी से आते हैं और हमें कैंप में क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, जैसे कि सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरा शूट करने की कोशिश किया है। और अगर अच्छा लगे आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके भाई, थैंक यू। और ये देखिए, हम लोग आए हैं जिम में, सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। हेलो दोस्तों, अब हम लोग अपने काम करने की जगह को सुरक्षित छोड़कर अपने कैंप में जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये रही हमारी बस जो चल रही है कैंप से, कैंप के लिए कंपनी की तरफ से। और ये धीरे धीरे जो साइड का ब्रिज है उसको पार करेगी, उसके बाद आएगी मेन रोड पे जो कि कैंप को जाता है। और यहाँ से हमारे कैंप में जाने के लिए 15 मिनट लगते हैं बस से। और चलिए देखते हैं आगे, आपको हम दिखाते हैं अपने कैंप को और कैंप में क्या क्या है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ में बाहर रहने वाले। और देखिए मेरा पीछे साइड जा रहा, बाय बाय। और ये आगे आगे हमारा मेन रोड, और ये यहाँ से 15 मिनट लगते हैं, इसलिए अपने वीडियो को हम स्किप करेंगे थोड़ा सा दिखाकर। ये है रेगिस्तान चारों तरफ, इधर उधर कभी नहीं दिखते इंसान। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा कैंप दिखाई देने लगा है, पीछे का वीडियो मैंने स्किप कर दिया था और बारिश हो रही, मिस हो रही, इसलिए रोड की पिक्चर भी दिख रहा है। और ये सिर्फ मेरा कैंप ही दिखाई दे रहा है क्योंकि इसके चारों तरफ रेगिस्तान है और रंबल है, दूर दूर तक यहाँ पे कोई मतलब लोकल लोग नहीं रहता इधर, ठीक है। ये सिर्फ हमारी कंपनी कैंप बनाई है काम करने वालों के लिए। यहाँ पे हमारे कंपनी के वर्कर, सुपरवाइजर, फोरमैन, चार्ज हैंड, परमिट एग्जीक्यूटर, इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, एचएससी मैनेजर, एचएससी लीड, एचएससी सुपरवाइजर, सब लोग यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे मस्जिद भी है, क्लिनिक भी है, मेस हॉल है, जिम हॉल है और क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, लॉन्ड्री है, एकोमेंडेशन रहने के लिए है, सब कुछ सुविधा जो इंसान को चाहिए जिंदगी में, जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, और सब कुछ है यहाँ पे। देखिए हमारे भाई लोग उतर करके बस में अब जा रहे हैं पंचिंग मारने के लिए, और ये पंचिंग मारेंगे, पंचिंग मार के सीधे अपने रूम पे जाएंगे। और देखिए ये पंचिंग मार के लोग बाहर निकल के लाइन से जा रहे हैं, तरफ से जूनियर, उस तरफ से सीनियर, दोनों तरफ पंचिंग हो रहा है। और ये सामने जो दिख रहा है बिल्डिंग और मस्जिद, यहाँ हम लोग प्रेयर करने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। और ये सामने जो दिख रहा है, लोग जा रहे हैं अपने अकोमोडेशन में। और ये सामने है जंक्शन, फोरवे है जो कि पानी से भरा हुआ बारिश के कारण, इसलिए लोग रास्ता चेंज करके जा रहे हैं क्लिनिक के सामने से। सामने है कैंप का क्लिनिक। हाँ माता भाई। और दोस्तों ये हमारे माता भाई थे जो कि आवाज़ मेरी सुनी नहीं और आगे चल दिए। और ये क्लिनिक के सामने पार्क जैसा बना हुआ, पेड़ भी लगे हुए हैं, फूल भी लगे हुए हैं। और ये कैंप का सबसे बड़ा पेड़ है जो क्लिनिक के सामने दिखाई दे रहा है। ये है एकोमोडेशन स्टाफ का और इधर है जूनियर का एकोमोडेशन, जिसमें हमारे भाई लोग जा रहे हैं आगे आगे। और ये आगे छोटा सा पार्क जैसा बना हुआ है जूनियर में इसके सामने। और इधर चिड़िए के लिए खाना और पीने का पानी, रहने के लिए जगह बनाया हुआ है रेडीमेड कंपनी की तरफ से। और देखिए ये चौक दिख रहा था, वो दिखाई दे रहा है।
और इधर चिड़िया की चहचहाट आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। कैंप के रास्ते में भी पानी भरा हुआ है और ये देखिए हमारे मुट्ठू सर हैं और ये गल्फार लिखा हुआ है, ये अंदर फूल लगाया गया और ये चिड़िया के लिए खाना पानी और वो दाना और वो बनाया गया घोंसला रहने के लिए उन लोगों के लिए। और ये है सीनियर कामेज जो लोग अब जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए शाम के टाइम। और इधर देखिए बना सीनियर में से सामने एक खूबसूरत सा पार्क है इसका, जो श्रेय हमारे कैम्बोस्टर को जाता है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है और सजाया है इसको पेड़ पौधों से फूल पत्तियों से। और ये देखिए इसके अंदर हमारे एक भाई साहब बैठे हुए हैं, बैठ के बात कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं मौसम का। और ये देखिए नाश्ता के लिए हमारे ओमाने भाई साहब हैं जो लेके आ रहे हैं पकौड़ी और चाय, और छुपने की कोशिश की मगर छुप नहीं सकते, कैमरा चालू है। और ये देखिए सामने की तरफ जो दिखाई दे रहा है, और ये है जूनियर मेस और वाटर टैंक। और मिश्रा जी, और ये आगे हमारी गली जिसमें हम लोग रहते हैं, इसी गली में रहते हैं। अच्छा खासा पेड़ और लगा हुआ इधर। और ये दोनों तरफ रूम है, इस तरफ भी रूम है, लेफ्ट साइड राइट साइड भी रूम है, लोग रहते हैं लोगों को। उसके बाद डस्टबिन है, पेड़ भी लगे हुए हैं रखने के लिए बनाया हुआ रैक। और ये बहुत ही अच्छा रूम है, इसके अंदर बेड है, अंदर ए सी है, सब कुछ है। और कैम में मेंटेनेंस के लिए इलेक्ट्रिशियन रखे गए हैं, प्लम्बर रखे गए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तुरंत कंप्लेन करो और एक्शन होता है। और ये देखिए इस तरह से लाइन लगा हुआ है टिफिन का। और ये आ गया मेरा रूम, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधे जिम, फ्रेश होने के बाद चेंज करने के बाद जिम जाएंगे और चलते हैं जिम। और ये देखिए हम लोग आए हैं जिम में, सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, पूरा बादल छाया हुआ है, आसमान में पूरा बादल छाया हुआ है। और हम लोग हैं जिम के अंदर और ये रहा मैं जो कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और मन में यही सोच रहा हूँ कि बारिश में दो तो मैं रूम पे जाऊँ, और रूम पे फिर जाएंगे बारिश देखते हुए। और ये मेरे दोस्त लोग हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई लेग एक्सरसाइज कर रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, फिर मैं देखते हुए रूम पे गया। और जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, मैं रूम पर पहुंच चुका हूं और बारिश और भी तेज़ होने लगी है। बारिश इतनी तेज़ हो रही है, लोग अपने रूम हैं बाहर नहीं निकल रहे हैं और ये बारिश बंद होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश बंद होगी तो हम बाहर जाएंगे, देंगे टहलेंगे और हम भी बारिश बंद होगी तो जाएँगे बाहर थोड़ा घूमेंगे, उसके बाद खाना खाने जाएँगे। तो ये बारिश बंद होने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं, जैसे कि देख रहे हैं ये सुहाना मंजर है, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया मस्कत का। और देखिए हमारे दो भाई लोग आ रहे हैं खाना खा के, नया भाई और आजाद भाई, ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे दोनों दोस्त आजाद भाई नया भाई खाना खा के अपने रूम पे जा चुके हैं, जा रहे हैं और हम लोग भी जाएंगे अब खाना खाने के लिए। पानी जगह जगह लगा हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कितना खूबसूरत नज़ारा, रात में मेरे कैंप में पूरा लाइट ही लाइट है, चारों तरफ बहुत ही अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था है। रात हो चुकी है मगर उजाला ही उजाला दिखाई दे रहा है आप लोगों को, अंधेरा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये सीनियर मेस देख रहे हैं ना, पेड़ कैसे हिल रहा है, जैसे लग रहा है सेंस इंडिया का फीलिंग दे रहा है, फील हो रहा है कि हम लोग इंडिया में। दोस्तों अब हम लोग जाएंगे अपने मेस में खाना खाने के लिए, ठीक है। तो आ गए अपने हम मेस में खाना खाने के लिए, हमारे सभी दोस्त हैं, मुजाहिद भाई हैं, सईद भाई हैं और इधर दिखाई दे रहे हैं कलीमुल्ला भाई आ रहे हैं, आजाद भाई बैठे हुए हैं, हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं। ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा अब बताइए आप लोग, ये रहा मैं। और कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी आगे मैं इसी तरह का ब्लॉग बनाऊँगा, आप लोग कमेंट